हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी ते। हाँ जी साथियों, अज की एक क्विज़ उन्हां साथियों लई मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है जिन्हां दा सपना हैगा जी वार्ड अटेंडेंट की नौकरी लेना। हाँ जी, तुसीं बिल्कुल सही सुन रहे हो, जिन्हां दा सुपना हैगा जी ये नौकरी लेना। बस वो साथी इस वीडियो नूं भुल के भी ना छड्डे, क्योंकि अज की इस क्विज़ च आपां जिन्हें भी क्वेश्चन करांगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले ने, क्योंकि मैं तुहानूं उही क्वेश्चन करवाउंदा जिहड़े पंजाब दे पेपरां विच वार वार पुछे गए ने। इसलिए तुसीं इस वीडियो नूं पूरा ते ध्यान नाल वेखना जी। हाँ जी, अज की क्विज़ नूं स्टार्ट करन तों पहलां जिहड़े भी साथी साडे चैनल ते नवे ने, साडी वीडियो पहली बार वेख रहे ने, उह चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो ते नाल लगे बैल आइकन नूं भी प्रेस कर लो, क्योंकि आपां जल्द ही वार्ड अटेंडेंट दे लई इक मैराथन क्लास भी इस चैनल ते लेके आवांगे। इस लई तुसीं इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो ते नाल लगे बैल आइकन नूं भी प्रेस कर लो। हाँ जी फ्रेंड, स्टार्ट करदे हां जी अज की क्विज़ नूं। क्विज़ विच तुहानूं हरेक क्वेश्चन लई 15 सैकेंड दा समां दित्ता जाएगा, तो उस तो बाद तुहानूं क्वेश्चन दा आंसर दस्सिया जाएगा। क्विज़ दे एंड विच तुसीं अपना स्कोर जरूर दस के जाना है जी। हाँ जी, सब तो पहलां सारे साथियों नूं गुड ईवनिंग। जिहड़े भी साथी लाइव होए ने वो प्लीज़ एक बारी इस सैशन नूं अपने साथियों दे नाल शेयर कर दो जी, तां जो आपां क्विज़ नूं स्टार्ट कर सकीए। हाँ जी, अपनी क्विज़ का फस्ट क्वेश्चन दिता हुआ है पंजाब का खेत्रफल है, तुहाडे कोल चार ऑप्शन दिते हुए ने, तुहानू हरेक क्वेश्चन के लिए 15 सैकेंड का समा दिता जाएगा जी। जिन्ना साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुने जी, 50,362 किलोमीटर स्केयर, उन्हों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, पंजाब का खेत्रफल है जी 50,362 किलोमीटर स्केयर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। भाषा के आधार पर हुण दा पंजाब कदों बनिया, चार ऑप्शन दिते हुए ने। फस्ट है जी 1 नवंबर 1947, सैकेंड ऑप्शन है जी 1 अक्टूबर 1966, थर्ड ऑप्शन है जी 1 नवंबर 1996, तो फोर्थ है जी 1 नवंबर 1966। तुसीं दसना है कि भाषा के आधार पर हुण दा पंजाब कदों बनिया। जी जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी चुन रहे ने, 1 नवंबर 1966, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाता जी। हाँ जी, भाषा के आधार पर हुण दा पंजाब जिहड़ा कदों बनिया, 1 नवंबर 1966 विच। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन नंबर 29 दिता हुआ है, हुण दे पंजाब विच दरियावां की गिणती किन्नी है। वेरी ईजी क्वेश्चन हैगा जी, चार ऑप्शन दिते हुए हैं। फस्ट है 2, सैकेंड ऑप्शन है जी 3, थर्ड ऑप्शन है 5, तो फोर्थ है जी 4। हाँ जी, तुसीं दसना है कि हुण दे पंजाब विच दरियावां की गिणती किन्नी है। हाँ जी, जिन्हां साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुनिया 3, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाएगा। तुसीं कमेंट बॉक्स च दसना है कि यह 3 दरिया किहड़े किहड़े ने। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 अपना दिता होया, 1947 तो पहला पंजाब विच किन्ने जिले सन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा जी, 1947 तो पहला पंजाब विच किन्ने जिले सन। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी 23, सैकेंड ऑप्शन है 29, थर्ड ऑप्शन है जी 25, तो फोर्थ ऑप्शन दिता है 13। तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा हैगा जी। हाँ जी, जिन्हां साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुनिया 29, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाता है जी, 1947 तो पहला पंजाब विच 29 जिले सन। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 दिता हुआ जी, वंड तो बाद होंद विच आए पूर्वी पंजाब के जिले। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हैगा जी कि वंड तो बाद होंद विच आए पूर्वी पंजाब विच किन्ने जिले सन। तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा हैगा जी। जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुन रहे ने 13, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाता जी। हाँ जी, वंड तो बाद होंद विच आए पूर्वी पंजाब विच 13 जिले सन। हाँ जी, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वल। क्वेश्चन नंबर 32 अपना दिता हुआ है, पटियाला एंड ईस्ट इंडिया पंजाब
ਪੈਪਸੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1966, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 15 ਅਗਸਤ 1947, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 15 ਜੁਲਾਈ 1948, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ 1 ਨਵੰਬਰ 1967। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪੈਪਸੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਚੁਣਿਆ 15 ਜੁਲਾਈ 1948, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਪਸੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 33 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਖਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 20ਵਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 21ਵਾਂ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 24ਵਾਂ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ 18ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਖਰਤਾ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ 21ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 34ਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ 12,678। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 6, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ 5, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 4, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ 3। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਿਆ 5, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 36 ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 12, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 11, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 10, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ 9। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ 11, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 37 ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 53 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੰਬਈ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਾਹੌਰ। 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਮਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ 1947 ਤੋਂ 53 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 38 ਨੰਬਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 39 ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 40 ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ? ਜੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 41 ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਪਸੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 1947, ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ 1956, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ 1955, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ 1946। ਪੈਪਸੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣਿਆ 1956, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 42 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੈਪਸੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 9, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ 8, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ 7, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ 6। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ 8, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪੈਪਸੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱਲ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 8। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 43 ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ? ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, 1.56%, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 1.56% ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 44, ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਕੋਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਲਵਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦੁਆਬਾ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਾਝਾ, ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਕੋਣੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਆਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 45 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਝਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੁਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ
रावी ते ब्यास विचकार केड़ा जिहड़ा दरिया आंदा है, सॉरी खेतर आंदा जी, वह आंदा जी माझा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिता है, सतलुज के दक्षण पछम वल वाले इलाके नूं कहा जाता है। फिर तो रिपीट कर दें जी, सतलुज के दक्षण पछम वाले इलाके नूं की कहा जाता है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट दिता है माझा, सैकेंड ऑप्शन है जी दुआबा, थर्ड ऑप्शन है मालवा, तो फोर्थ है जी इन्हां विचों कोई नहीं। जी जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुनते ने मालवा, उन्हां दा आंसर करैक्ट हो जाता जी। हाँ जी, सतलुज के दक्षण पछम वाले इलाके नूं कहा जाता है मालवा। क्वेश्चन नंबर 47 अपना दिता होया, पंजाब देश के अन्न भंडार विच किन्ने प्रतिशत योगदान दिंदा आ रहा है। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी 40 तो 75%, सैकेंड ऑप्शन है जी 50 तो 60%, थर्ड ऑप्शन है जी 70 तो 80%, तो फोर्थ है जी 80 तो 90%। तुसी दसना है पंजाब देश के अन्न भंडार विच किन्ने प्रतिशत योगदान दिंदा आ रहा। जी जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चुन रहे ने, 40 तो 75% उन्हों का आंसर करैक्ट हो जाता जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 अपना दिता होया, पंजाब का सब तो वड्डा दरिया केड़ा है। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी रावी, सैकेंड ऑप्शन दिता है सतलुज, थर्ड ऑप्शन है ब्यास, तो फोर्थ है जी जेहलम। तुम्हें दसना है कि पंजाब का सब तो वड्डा दरिया जिहड़ा केड़ा है। हाँ जी, जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुन रहे ने सतलुज, उन्हों का आंसर करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, पंजाब का सब तो वड्डा दरिया किहड़ा है जी, सतलुज। तो तुसीं कमेंट बॉक्स दसना है कि पंजाब का सब तो छोटा दरिया किहड़ा है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है जी, धरातल अनुसार पंजाब की धरती किन्ने भागों में वंडिया गया है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, धरातल दे अनुसार पंजाब की धरती किन्ने भागों में वंडिया गया। चार ऑप्शन ने, फस्ट है 5, सैकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है जी 3, तो फोर्थ है जी 2। हाँ जी, जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुन रहे ने 3, उन्हों का आंसर करैक्ट हो जाता जी। धरातल अनुसार पंजाब की धरती किन्ने भागों में वंडिया गया जी, 3 भागों में वंडिया गया है। फस्ट है जी शिवालिक दीआं पहाड़ियाँ, सैकेंड है जी अर्ध पहाड़ी खेत्र, तो फोर्थ थर्ड है जी मैदानी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 50 अपना दिता होया है, 2011 की जनगणना अनुसार पंजाब विच सब तो वध घनता वाला जिला। वार वार रिपीट हो चुके हैं जी ये क्वेश्चन। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फस्ट है मुक्तसर, सैकेंड ऑप्शन है लुधियाना, थर्ड ऑप्शन है जी अमृतसर, तो फोर्थ है जी जलंधर। तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा है जी। जी जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुन रहे ने लुधियाना, उन्हों का आंसर करैक्ट हो जाता जी। 2011 की जनगणना अनुसार पंजाब विच सब तो वध घनता वाला जिला है जी लुधियाना। क्वेश्चन नंबर 51 दिता हुआ है, 2011 की जनगणना अनुसार पंजाब विच सब तो घट घनता वाला जिला। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन ने, फस्ट है लुधियाना, सैकेंड ऑप्शन मुक्तसर, थर्ड ऑप्शन है जी हुशियारपुर, तो फोर्थ है तरन तारण। तुसीं दसना इस बारी कि 2011 की जनगणना अनुसार पंजाब का सब तो घट घनता वाला जिला किहड़ा है। हाँ जी, जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुन रहे ने मुक्तसर, उन्हों का आंसर करैक्ट हो जाता जी। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन नंबर 52 अपना दिता हुआ है, पंजाब भारत की किस दिशा विच आउंदा है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जी।
पंजाब भारत की किस दिशा में आता है? चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है उत्तर पछम, सैकेंड ऑप्शन दिता जी पूर्व पछम, थर्ड ऑप्शन है दक्षण पछम, से फोर्थ है जी दक्षण पूर्व। हाँ जी, जेड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चुन रहे ने उत्तर पछम, उन्हों का आंसर करैक्ट हो जाएगा जी। पंजाब भारत की उत्तर पछम दिशा में आउंदा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दिता है जी, पंजाब का इको एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सारिया ही पता होगा। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी पटियाला, सैकेंड ऑप्शन है मुक्तसर, थर्ड ऑप्शन है अमृतसर, तो फोर्थ है जी बठिंडा। आप दसना सी पंजाब का इको एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कित्थे है। जेडे भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी चुन रहे ने अमृतसर, उन्होंने आंसर करैक्ट हो जाएगा जी। कमेंट बॉक्स में तुसी दसना है कि इस हवाई अड्डे का नाम की है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमृतसर में जिहड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम की हैगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी फ्रेंड, जेकर तुहानू ये सैशन चंगा लग रहा तो सैशन में जरूर लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा इस सैशन में अपने साथियों के नाल शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 54 अपना दिता है, पंजाब का किहड़ा शहर कपड़ा उद्योग लई जाणिया जांदा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर विच रिपीट हो चुके जी। चार ऑप्शन है, फर्स्ट है अमृतसर, सैकेंड ऑप्शन है लुधियाना, थर्ड ऑप्शन है कपूरथला, तो फोर्थ है जी बठिंडा। तुसी दसना सी पंजाब का किहड़ा शहर कपड़ा उद्योग लई जाणिया जांदा है। जी जिन्ना साथियों ने इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चुने अमृतसर, उन्हों का आंसर करैक्ट हो जाता है। हाँ जी, अमृतसर शहर जिहड़ा पंजाब का कपड़ा उद्योग लई जाणिया जांदा है। 55 नंबर क्वेश्चन अपना दिता होया, किस शहर नूं पंजाब का मानचेस्टर होने का माण है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। किस शहर नूं पंजाब का मानचेस्टर होने का माण है? तुहाडे कोल 15 सैकेंड का समा है जी इस क्वेश्चन का आंसर दसण लई। हाँ जी, जिहड़े भी साथी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी चुन रहे ने लुधियाना, उन्हों का आंसर करैक्ट हो जाएगा। हाँ जी, लुधियाने नूं पंजाब का मानचेस्टर होने का जिहड़ा माण हैगा जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, अपना अज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन हैगा जी, रणजीत सागर डैम किस नदी पर बनाया गया है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है सतलुज, सैकेंड ऑप्शन है ब्यास, थर्ड ऑप्शन है जी रावी, तो फोर्थ है जी झेलम। हाँ जी, इस क्वेश्चन के आंसर के नाल ही तुसी अपना जिहड़ा स्कोर दसना है कि इस क्विज विच तुसी किन्ना स्कोर किया है। इस क्वेश्चन का आंसर तुसी कमेंट बॉक्स में दसना है। क्वेश्चन फिर तो रिपीट कर देना, रणजीत सागर डैम किस नदी पर बनाया गया है? हाँ जी फ्रेंड, आज दे सेशन नूं इत्थे समाप्त करते हैं। जेकर तुहानू ये वीडियो चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल वीडियो नूं शेयर करो। हाँ जी फ्रेंड, जेकर तुसी साडे चैनल पर नवे हो, पहली बार साडी वीडियो वेख रहे हो, तो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो, तो नाल लगे बेल आइकन नूं भी प्रेस कर लो, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नवीं वीडियो दी नोटिफिकेशन टाइम दे नाल मिलदी रहेगी। हाँ जी, जल्दी आप इस चैनल पर वार्ड अटेंडेंट के लिए मैराथन क्लास लेके आवेंगे। हाँ जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो से, उदों तक के लिए टेक केयर।